हेलो दोस्तों, आप सभी का सब्जी के जान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आया हूँ उसी आउटलेट पे जिसकी आपको डिमांड थी, क्या नया आया है मुझे दिखाइए। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ नया सामान आया है, नए अपडेट हुए हैं वो दिखाने वाला हूँ, लेकिन प्राइस भी अपडेट नहीं हुआ। प्राइस आपको वही 6000 रुपये से स्टार्ट होगा और साथ में एक अपडेट और है यहाँ पे। पहले 1 महीने की वारंटी आपको मिलती थी, अब 3 महीने की वारंटी मिलेगी, जिससे आप पूरे संतुष्ट हो सको अपने लैपटॉप से यहाँ से खरीदो। तो मैं आपको लेके चलता हूँ शॉप के ओनर के पास, बताता हूँ क्या कुछ चेंजेस हैं उनकी जवानी। सर, आपका सबसे के जान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। आप बता दीजिए आपकी शॉप कितनी पुरानी है? सर, हमें यहाँ 10 से 12 साल हो गए। और आपकी शॉप का नाम? सेकंड कंप्यूटर है। तो आपके यहाँ पे कौन कौन से ब्रांड मिल जाते हैं? सर, मेरे यहाँ आपको सारे ब्रांड मिलेंगे, सारे ब्रांड मिलेंगे, एचपी, सोनी, लिनोवो, एसर वगैरह सब मिलेंगे आपको। तो मिनिमम प्राइजेस अगर कोई खरीदना चाहे तो 6000 रुपये से। 6000 रुपये से। और मैक्सिमम? मैक्सिमम 16-17 हज़ार। 16-17 हज़ार की रेंज के यहाँ पे मिल जाते हैं जनरेशन में। बहुत ही बढ़िया। तो मुझे कुछ सैंपल दिखा दीजिए। एक बात और, अगर कोई बाहर से मंगाता है तो किस तरीके से पेमेंट वगैरह, मतलब बाहर से अगर कोई मंगाता है तो वो ऑनलाइन के थ्रू मुझे पेमेंट कर सकता है, उसका मैं कुरियर यहाँ से लगा दूँ। ठीक है, आप मतलब बाहर भी भेज दोगे? जी, बाकी जो कुरियर चार्ज होगा वो उसे पे करना पड़ेगा। ठीक है सर। हाँ, वो तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कहीं से भी कोई माल मंगाता है कुरियर चार्ज उसका ही होता है। ठीक है सर, मैं आपको कुछ सैंपल दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं पहला सैंपल दिखा रहा हूँ सर, इसके बारे में बता दीजिए कौन सी एचपी कंपनी का मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। हाँ जी सर, इसके अंदर क्या क्या मिल जाता है? ये एचपी का है, कोटुडू। हाँ जी, ये कोटुडू है। इसकी जो कन्फिगरेशन होगी वो 2GB रैम होगी और 250GB हार्ड ड्राइव होगी। 2GB रैम, 256GB हार्ड ड्राइव। और इसका प्राइस आपने बताया 6000 रुपये। इसका प्राइस आपको 6000 रुपये पड़ेगा। अगर कोई सिंगल पीस लेता है 6000 रुपये, अगर कोई ज्यादा मंगाता है तो उसको प्राइस में कुछ कंसेशन मिलेगा? उसके लिए वो कर देंगे। ठीक है, अगर कोई ज्यादा पीस भी उठाता है तो प्राइस कम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं एक और देख पा रहा हूँ डेल का, जैसे कि इसके बारे में बता दीजिए सर। ये i3 मिल जाएगा आपको। ये i3 है जी। ठीक है सर, i3 होगा। इसकी जो कन्फिगरेशन होगी वो 4GB रैम होगी। 4GB रैम, 4GB रैम और 320GB हार्ड ड्राइव, 320 हार्ड ड्राइव यहाँ पे मिल जाती है डेल का। इसका प्राइस कितना होगा? इसका ये पड़ेगा आप, ये डेल का जो और i3 जो आपको स्टार्ट हो जाएगा वो 8 से 9 हज़ार रुपये के बीच। 8 से 9 हज़ार रुपये के बीच में बीच प्राइस, अलग अलग मॉडल i3 के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब 8 और 9 के बीच के अंदर ही सारे डेल के i3 मिल जाएंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ सोनी का एक यहाँ पे, सर इसके बारे में बता दीजिए। सोनी i5 थर्ड जनरेशन है ये। i5 थर्ड जनरेशन है सोनी का। ये 4GB रैम है इसमें और 500GB हार्ड ड्राइव है। 4GB रैम और 500GB हार्ड डिस्क मिल जाती है। प्राइस कितना होगा? ये 12.5 का पड़ेगा। 12.5 का पड़ेगा। वारंटी 3 मंथ्स, मतलब स्क्रैच लेस होते हैं सारे। और वारंटी आप 3 महीने के दे रहे हैं। जो आपको सारे लैपटॉप मिलेंगे वो रिफर्बिश्ड मिलेंगे। और इसके बारे में बता दीजिए कुछ। ये HP का फोलियो मॉडल है। HP का फोलियो मॉडल i5 थर्ड जनरेशन के साथ में। इसमें 8GB रैम मिलेगी, 8GB रैम और 250GB SSD हार्ड ड्राइव मिलेगी। 250GB 8GB रैम तो बहुत बढ़िया। इसका प्राइस कितना होगा? ये 16500। 16500 में आपको 8GB के साथ मिल जाता है। मतलब ये हैवी ड्यूटी के लिए, ये हैवी ड्यूटी के लिए बहुत अल्ट्रा स्लिम लैपटॉप। एक और यहाँ पे मैं डेल का देख पा रहा हूँ, इसके बारे में बताइए सर। ये i7 लैपटॉप है। i7 मतलब i7 भी आप रखते हैं सेकंड के अंदर? मेरे पास आपको सारी सीरीज मिलेगी। i7 के अंदर डेल आ जाता है। बाकी i7 जो मेरे पास आपको स्टार्टिंग रेंज है वो 15 से 18 के बीच में i7 मिल जाएगा। 15 से 18 के बीच में स्टार्टिंग रेंज i7 मिल जाता है। तो इसका प्राइस कितना होगा? ये 16000 रुपये का पड़ेगा। 16000 रुपये का 3 महीने की वारंटी। i7 है सेकंड जनरेशन। हाँ जी, 8GB रैम है इसमें, 8GB रैम है, 320GB हार्ड ड्राइव, 320 हार्ड ड्राइव है। बाकी आपको एक ऑप्शन और मिलता है, अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन कम लगती है तो आप उसे घटा और बढ़ा सकते हैं। मतलब आपके यहाँ से वो ड्राइव आप घटा भी सकते हैं और बढ़वा भी सकते हैं। हाँ जी, उस हिसाब से प्राइस भी वेरी करेगा ऊपर नीचे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सामने भी कुछ सैंपल देख पा रहा हूँ। और जरूरी नहीं है जो मैं यहाँ पे सैंपल आपको दिखा रहा हूँ कि उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, आप फोन करके पता कर सकते हो। उसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिल जाती है, मैं सारी चीजें कवर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इनका एक गोडाउन अलग से है, ये सिर्फ सैंपल के लिए शॉप यहाँ पे खोली गई है। तो सर इसके बारे में बता दीजिए, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ डेल का, ये डेल का i5 4th जनरेशन मिलेगा। i5 4th जनरेशन। इसका प्राइस कितना होगा? 14500। और 3 महीने की इसमें वारंटी आप दे रहे हो। इसके अंदर 8GB रैम है, 8GB रैम और 500GB हार्ड डिस्क। इसी के साथ में मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ सर, इसके बारे में बताइए कौन सी कंपनी का है? ये HP का है। HP का i5 फर्स्ट जनरेशन। i5 फर्स्ट जनरेशन। हार्ड ड्राइव और हार्ड ड्राइव 4GB रैम और 320GB हार्ड ड्राइव, 4GB और 320GB के साथ ये अवेलेबल होता है। इसका प्राइस कितना है? ये 9000 रुपये का। 9000 रुपये का प्राइस है। ठीक है सर, एक और यहाँ पे मैं दिखा पा रहा हूँ।
सर ये सोनी का, इसके बारे में बताइए। ये सोनी आपको थर्ड जनरेशन के अंदर मिलेगा। थर्ड जनरेशन, इसका प्राइस कितना होगा? इसका प्राइस पड़ेगा 12.5 का। 12.5 का, और इसमें हार्ड ड्राइव और 4GB रैम और 500GB हार्ड ड्राइव। मतलब 4GB रैम, 500GB हार्ड ड्राइव, और आपने इसका प्राइस बताया 12.5। यहाँ पे एक और सैंपल है सोनी का, ये GO22 के अंदर आ जाता है, 2GB रैम और 250GB हार्ड ड्राइव के साथ में। इसका प्राइस ये 6500, 6500 का। तो 6000, 6500, 7000, 8000, बहुत सारी वैरायटी यहाँ पे मिलती है, आप देख पा रहे हो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे इतनी सारी चीज़ें कवर कर पाना मुश्किल है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ जो इस शॉप की स्पेशलिटी है। यहाँ पे ये मशीन है, इस मशीन के बारे में बता दीजिए। ये मशीन लैपटॉप का बीजीए ग्राफिक्स वगैरह रिपेयर करने की मशीन है। बीजीए ग्राफिक्स वगैरह, मतलब पूरा सिस्टमेटिकली सॉल्यूशन आपको यहाँ सिस्टमेटिकली तरी काम होता है। यहाँ पे ऐसे नहीं कि मैनुअल इधर के पार्ट उधर कर दिया, मैनुअल कोई नहीं है, सारा ऑटोमेटिकली काम आपको यहाँ मिलेगा। तो एक बात और है, अगर आपको लैपटॉप में कुछ खराबी है, कुछ कम करवाना, कुछ ज्यादा करवाना, तो वो चीज भी यहाँ पे हो जाती है। बाकी अदरवाइज आपको लैपटॉप वगैरह लेने हैं तो वो भी यहाँ पे मिल जाते हैं, लेकिन सिर्फ सेकेंड हैंड नए लैपटॉप नहीं मिलते। और मॉडल आप फोन करके पता कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मैं आपको यहाँ का शॉप का एड्रेस नंबर वगैरह सब मिलेगा, और आपको डिस्प्ले पे भी दिख रहा होगा नंबर। तो वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो मैं चैनल पर ला के देता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।